जो काम नहीं होने की वजह जो है सीएमसी की बाडी नहीं बनने की वजह से ये काम नहीं हो रहा। काउंसलर को जाकर पूछे तो काउंसलर बोल रहा क्या करेंगे, बाडी नहीं बनी या इसी गंदगी रहेंगी, ये तो लोग बीमार नहीं तो क्या होंगे, इसका कौन जिम्मेदार है? अब लेटिंग नहीं है, पानी भी नहीं बराबर और चलने फिरने हैरान बहुत है जी। हाँ बस इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब मुल्ला साहब काउंसलर है उनको पूछना पड़ता है, दो तीन मरतबा को बैठते कुछ भी नहीं मिले मेरे को। कहाँ पर है कि नहीं, कि नहीं मिले ऑफिस गए तो नहीं मिले मेरे। यहाँ के जो काउंसलर हैं उन्होंने ये बोल रहे हैं कि सीएमसी की बाड़ी नहीं बनी, हम क्या बोलो काम कराएंगे। लेबर अभी बात नहीं सुन रहे उनके, साहब जा रहा हूँ बोल के 8 रोज हो गया अभी तक आए नहीं, साहब नहीं कर रहे। और वो आगे क्या है, बम्बुआ रखने से पूरा भर जा रहा है वहाँ पे, वो आगे पानी पास नहीं हो रहा जी। नहीं पास नहीं होने की तरफ से इधर पूरे घरों को तकलीफ हो रही है। हाँ। लोग इस वार्ड के जो काउंसलर हैं मुन्ना जी से नाराज़ हैं, इसलिए नाराज़ हैं कि 1.5 साल के ऊपर हो गया यहाँ पर कोई सफाई का काम नहीं हो रहा। चलिए हम फिर से वार्ड नंबर 1 में जो हमने कहा था कि हम गलियां का भी सर्वे करेंगे, जो यहाँ पर जो ऐसी गली है यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर जो गंदगी का हालत जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मवेशी पालते हैं जो भैंस पकालते हैं उसके भी गोबर यहाँ पर गिरा है, मगर साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई अच्छे तरीके से अपने वार्ड को लीड नहीं करने के वजह से यहाँ पर जो गंदगी हो रही है वो बहुत आगे ख़राब होगा। यहाँ के अवाम, यहाँ के लोकल लीडरों से भी शिकायत है, यहाँ पर जो लोकल लीडर के माने ये हैं कि ये ऐसा वार्ड है यहाँ पर जो 2 काउंसलर आते हैं, मैं अब्दुल अजीज़ मुन्ना जो AIMIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं इसी वार्ड से काउंसलर हैं, और BJP से जो नामनेट काउंसलर हैं उनका नाम भूषण पाठक है वो भी इसी वार्ड से आते हैं, मगर काम नहीं हुआ, बल्कि उनकी शिकायत लोगों की जैसे कि वैसी है। और यहाँ पर जो शख्स जा रहे हैं, सर ये बताइए कि यहाँ पर जो काम नहीं हुआ, आप यहाँ से रोज़मर्रा फिरते हैं, रेगुलर फिरते हैं, इसकी वजह क्या है सर? यहाँ पर आप जो गली में से फिरते हैं यहाँ पर काम नहीं हुआ, बिल्कुल यहाँ के लोगों से शिकायत कर रहे हैं सर। यहाँ जो काम नहीं होने की वजह जो है सीएमसी की बाड़ी नहीं बनने की वजह से ये काम नहीं हो रहा। काउंसलर को जाकर पूछे तो काउंसलर बोल रहा क्या करेंगे, बाड़ी नहीं बनी या इसी गंदगी रहेंगी, ये तो लोग बीमार नहीं तो क्या होंगे, इसका कौन जिम्मेदार है? अब 1.5 साल 3 महीने हो गया इलेक्शन हो को, अभी तक बाड़ी नहीं बनी तो कब बनेंगे आखिर बाड़ी, इसका कौन जवाब देंगे? पब्लिक परेशान है, ये गरीब लोग रोज़ कर को खाने वाले है, आजू बाजू देखो बीमारियां में मुतला है, बारिश का मसला है, ये हालत है हमारे बिदर के। MLA साहब कहाँ हैं आप? आओ विज़िट करो, आप बता रहे ना मैं हर जगह हूँ, हर गली हर रोड का मैं काम करा हूँ, बोरे ना आज आके देखो आप ये गली गली में, आके देखो गली गली की हालत क्या है। एक मिनट हम आपको रुका रहे हैं, क्योंकि इसलिए रुका रहे हैं कि इसी के वार्ड के ही आप जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट AIMIM के हैं, आप ही वही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं MIM से, आप सिटी यूथ प्रेसिडेंट हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो एरिया में जो काउंसलर हैं आप ही के पार्टी से हैं, आप उनको नहीं कह रहे, खाली MLA को कह रहे हैं? हमारी पार्टी के जो एरिया के काउंसलर है AIMIM के, ये परसों बने सो है ये वार्ड, उनकी परसों के टाइम में आया नया वार्ड है उनके यहाँ से, ये टुकड़ा है उनके यहाँ से नया है अभी फिलहाल। चाहता हूँ कि सर यहाँ पर दो काउंसलर आते हैं, एक नॉमिनेट काउंसलर भी आते हैं और इलेक्टेड काउंसलर भी आते हैं। नॉमिनेट काउंसलर तो परसों BJP के बने सो है, तो बाड़ी नहीं है ना उनके पास फिलहाल इख्तियार में काम करने के लिए, दूसरे काम हो रहे बता रहे थे लोगों का कहना है, तो दूसरे काम होने मतलब CMC का ना जब प्रोफेसर बात रखेंगे तो CMC बाड़ी का काम होना है, बोल रहा काउंसलर खुद बोले तो है। हमारा जो वार्ड के नंबर 1 के जो काउंसलर की बात करें मुन्ना की, तो फिलहाल उनको नया एरिया लगा सो है, उन्होंने जितना जो करना है बराबर काम कर रही, लेकिन अब ये बाड़ी के बाद हुएगा ना जो भी हुएगा तो बाड़ी हुई के बाद इसका काम हुएगा। चलिए हम ये इनका ये कहना है कि इन्होंने पूरे तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है, कि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो CMC की बाड़ी नहीं बनने की वजह से ये जो मुश्किलें पेश आ रहे हैं ये जो CMC की बाड़ी नहीं बनने की वजह से हो रहा है। लोग इस वार्ड के जो काउंसलर हैं मुन्ना जी से नाराज़ है, इसलिए नाराज़ हैं कि 1.5 साल के ऊपर हो गया यहाँ पर कोई सफाई का काम नहीं हो रहा, और यहाँ की अवाम इसलिए जो अम्मा लोग हैं बात इसलिए नहीं करना चाहते कि क्या बात करेंगे, कितने बार भी बात करने के बाद काम नहीं हो रहा, हम बात करने की हमारी कोई ये वजह नहीं है, यहाँ पर हम बात करें तो हमारी बात का कोई वजन नहीं रखा जा रहा। और यहाँ पर जो मामा है, मामा से बात करेंगे कि मामा इस वार्ड में क्या क्या कमी है, बोल जाइए। सब लेटिंग नहीं है, पानी भी नहीं बराबर और चलने फिरने हैरान बहुत है जी। हाँ बस इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब मुल्ला साहब काउंसलर है उनको पूछना पड़ता है, दो तीन मरतबा को बैठते कुछ भी नहीं मिले मेरे को। इसका कहाँ पर है कि नहीं, कि नहीं मिले ऑफिस गए तो नहीं मिले मेरे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनके ऑफिस
यहाँ से उठ गई है। जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, ऑफिस उठने की वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोगों को उनके ऑफिस का पता नहीं मिल रहा, और लोगों को ये भी तकलीफ हो रही है कि मुन्ना काउंसलर कहाँ मिलेंगे। और यहाँ और क्या क्या तकलीफात पेश आ रही मामा? भाई साहब, पानी का तकलीफ है, नाली का तकलीफ बहुत हो रहा जी। हाँ, नल का पानी आ रहा आपके पास? नल का पानी आ रहा, मगर जो 2-3 दिन को फिर छूट रहा जी। रेगुलर पानी नहीं आ रहा? उतना नहीं आ रहा। और ये दरार गिर रही यहाँ पर जी। तो हम यहाँ के लोगों से भी ये शिकायत करते हैं कि आप जो मवेशी पाल रहे हैं, थोड़ा अंदर अंदर पालिए। जो जो गोबर जो उसका जो खलादत रहती है वो रोड पे मत डालीजिए। रोड पे डालने से जो दूसरे लोग यहाँ से गली में से जो फिरते हैं उनको तकलीफ हो रही है। यहाँ पर जो यहाँ के जो मामा हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। मामा बोलिए। देखो साहब, बोर का कार्बन आएगा ऊपर जो सो वायरिंग का, तो म्यूनसिपालिटी वाले करना था, वो फोन करके थक गया मैं। कोई भी नहीं करे, कोई आरज नहीं। वो कमिश्नर साहब कहीं जाकर शिकायत कर सकते ना? अब वही फिरेंगे अब कमिश्नर। तो यहाँ पर जो सीएमसी की बाड़ी नहीं बनने की वजह से यहाँ के जो काउंसलर हैं उन्होंने ये बोल रहे हैं कि सीएमसी की बाड़ी नहीं बनी, हम क्या बोलो काम करेंगे। सुन रहे उनकी भी जी, और लेबर अभी बात नहीं सुन रहे उनके। जी साहब, जा रहा हूँ बोल के 8 रोज हो गया, अभी तक आए नहीं, उनकी बात कोई सुन रहे नहीं। ये नालिया साफ नहीं कर रहे, और वो आगे क्या है बम्बुआ रखने से पूरा भर जा रहा है वहाँ पे, वो आगे पानी पास नहीं हो रहा जी। नहीं पास नहीं होने की तरफ से इधर पूरे घरों को तकलीफ हो रही है। हाँ, इतना चाहे उतना बम्बुआ उठाने लगाना, बम्बुआ नहीं वो ऊपर नाली, नाली के ऊपर जो बेड डाल के उन्होंने वो कट कर देना, वो नाली के ऊपर बेड डाल के उन्होंने क्या करें बम्बुआ लगा दी वहाँ पे। और लेबर को क्या है सीएमसी वालों को पास करने नहीं आ रहा वहाँ पे, वो तोड़ने की पहले जरूरत करो बोलो को बोलो। सर साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि जो ऐसे वाड़ा में आप ही आना ज़रूरी है, क्योंकि आप आए तो यहाँ पर काम होता है, छोटे मोटे वर्कर से काम नहीं हो रहा है। यहाँ के अदनिया की ये शिकायत है, सीएमसी कमिश्नर आप आइए। जो बम्बुआ बोल के बम्बुआ की शिकायत है उनके आप देखिए, क्या उनकी उनकी जगह में रह तो रहने दीजिए, अगर रोड पर है तो आप निकाल के फेंक दीजिए। हम यही गुजारिश करते हैं।